ये है नोबिता का घर रात के 3 बजे और ये हूँ मैं नोबिता के घर के अंदर रात के 3 बजे। कैसे, क्यों, कब जानना है तुम लोग को? देखो, बचपन से ही मैं डोरेमोन का बहुत बड़ा फैन हूँ। 13 साल की उम्र में मैंने उसके साथ एक फोटो भी खींची थी, तभी मैं थोड़ा बेसन के लड्डू जैसा दिखता था। मैं डोरेमोन का इतना बड़ा फैन हूँ कि मेरे घर पे है एक असली एनीवेयर डोर। अब तुम लोग पूछोगे कि मिथ पैट ये काम करता है क्या? ऑफ कोर्स। उर्मिला वहां पे काम कर रही है, मैं उस पे ये पेपर फेंकने वाला हूँ। मेरा हमेशा से सपना था कि मुझे जापान जाना है और डोरेमोन से मिलना है। बचपन से मेरे दिमाग में सवाल थे कि क्या असली नोबिता ऐसा दिखेगा या फिर क्या असली सुनियो का सच में मुंह समोसे जैसा होगा। यही सवालों का जवाब ढूंढने आज मैं जा रहा हूँ जापान एनीवेयर डोर से। देखो, एनीवेयर डोर से कहीं पे भी जाने के लिए हमें दिमाग में एड्रेस सोचना है। जापान बहुत बड़ा और मुझे वहाँ पे नोबिता को ढूंढना है तो मुझे उसका एड्रेस लगेगा। देखो, कुछ दिनों पहले मैं डोरेमोन की कॉमिक पढ़ रहा था। मैं आराम से एक एक पेज रीड कर रहा था, मेरे को थोड़ी बहुत जापनी समझ रही थी, लेकिन तस्वीरों से मैं कॉमिक को एंजॉय कर रहा था। लेकिन फिर मैं आ गया पेज 58 पे। यस, पेज नंबर 58, जहाँ पे मुझे ये अजीब सा एड्रेस जैसे कुछ तो दिखा। मैंने जल्दी से मेरा फोन निकाला एंड ट्रांसलेटर से इसको स्कैन किया। स्कैन करते ही मेरा शक सही निकला। ये था सुनियो का एड्रेस, होने का वह रेसिडेंस नेरिमा वार्ड टोक्यो। लिटरली डोरेमोन के ये 50 साल पुराने कॉमिक में मुझे सुनियो का एड्रेस मिला। फिर मैंने गूगल मैप्स चेक किया एंड मुझे समझा कि नेरिमा वार्ड टोक्यो में एक असली जगह है। क्या इसका मतलब नोबिता भी असली है? जियान, सुनियो, शिजुका, क्या सब असली है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने मैं निकल पड़ा एनीवेयर डोर से मेरे सफर पे। ओके, अभी मुझे बस मन में सोचना है एंड होपफुली मैं सुनियो के घर पे पहुंच जाऊंगा। होने का वार रेसिडेंस नेरिमा वार्ड टोक्यो, होने का वार रेसिडेंस नेरिमा वार्ड टोक्यो, होने का वार रेसिडेंस नेरिमा वार्ड टोक्यो। ये देखो मेरे को रस्ते पे क्या मिला, ये चोको चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ मिला रस्ते पे। मेरे को वैसे भी बहुत भूख लगी थी, मैं ट्राई करता हूँ। अरे यार, फोन बज रहा है, रुको। आई ला, उर्मिला का फोन आ गया। हाय, हेलो, हाउ आर यू? मिथिलेश, किधर है तू? मैं अभी अंधेरी में हूँ। अंधेरी? अंधेरी में क्या कर रहे थे? अरे नहीं, मेरा थोड़ा सा काम था, अंधेरी में इसलिए आया हूँ। अच्छा, कैमरा टर्न कर देना। तो मुझ पे विश्वास रखना, रुक, ये देख। मिथिलेश, हमारे इधर रात हुई है, तेरे इधर सुबह कैसे? किधर है तू? अच्छा सुन, मैं तेरे को बताना नहीं चाहता था क्योंकि मैं रात तक वापस आने वाला था घर पे। मैं जापान में हूँ। क्या, तू जापान में है? मेरे को मालूम था तू कटकट करती, इसलिए मुझे तेरे को बताना नहीं था। कटकट मतलब क्या? पहले मुझे बता क्या कर रहा है तू उधर। अरे देख, मैं तेरे को बताऊंगा लेकिन तू हंसेगी नहीं। ठीक है, बता। मैं जापान में डोरेमोन ढूंढने आया हूँ। क्या क्या बोला, वापस बोल एक बार। देखा, इसलिए मैं नहीं बता रहा था। ठीक है, तू डोरेमोन को ढूंढने गया पर मुझे क्यों नहीं लेके गया? तू, तेरे को हर जगह पे क्यों आना है मेरे साथ? अच्छा, तू उधर घूमेगा और मैं इधर घर पे बैठ के काम करूँ? तेरा ना बहुत ज्यादा हो गया मिथिलेश, मैं मम्मी को कंप्लेन करने वाली हूँ तेरी। नहीं नहीं नहीं, मम्मी को कंप्लेन मत कर। सुन, सुन, तू आ सकती है, तुझे ना तू हॉल में जा। मैं हॉल में ही हूँ। वहाँ पे तुझे एक एनीवेयर डोर दिखेगा। हाँ, वो मेरे बाजू में ही है। हाँ, उसमें बस सोच कि तुझे आना है होने का वार रेसिडेंस। होने का वार रेसिडेंस, उतना सोच के आ जा बस। ओके, होने का वार रेसिडेंस, 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 होने का वार रेसिडेंस। मिथिलेश, कुछ भी नहीं हुआ, येड़ा बना रहा है तू मुझे? अरे अभी तो मैंने यूज किया था, वापस रुक, जापान 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 सोच के देख एक बार। क्या जापान मिथिलेश, पागल समझा क्या तूने मुझे? जापान 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 जापान। अरे मैं जापान आ गई, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उर्मिला, मैंने बस हो गया मिथिलेश, अभी ये एनीवेयर डोर तेरा काम नहीं कर रहा है, बच्चा समझा क्या मुझे? तू चिल्ला मत, एनीवेयर डोर से कोई इधर से उधर जाता है क्या?
और यहाँ पे लोग ज्यादा जोर से बात नहीं कर सकते। कुछ सुनना नहीं है, तू मेरे अभी शांत है यहाँ पे। तू मेरे अभी के अभी फ्लाइट के टिकट्स कर, मुझे कुछ सुनना नहीं। तू अभी मुझे बता मैं जापान कैसे आने वाली हूँ। अभी एक सीक्रेट है जो मैंने तेरे को बताया नहीं है। तुझे मालूम है मैंने वो नया डेस्क लिया था, वो डेस्क ना जिसको तू मुझे हाथ नहीं लगाने देता। हाँ, जिसको मैं तुझे खोलने नहीं देता, वही। उसको जाके खोल। क्यों, क्यों खोलना है? तू खोल उसको, सवाल बहुत पूछती है रे। क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं। ड्रॉवर को क्यों खोलना है मिथिलेश? क्या है इसमें? खोल। मिथिलेश ये क्या है? तूने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? इस डेस्क के अंदर से तू आ सकती है यहाँ पे, तुझे बस उसके अंदर कूदना है। क्या पागल हो गया है तू? इसके अंदर कूदने से मैं जापान होगी? कुछ दिख भी नहीं रहा अंदर। अरे मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं होगा मिथिलेश मुझसे। बस एक बार दिमाग में सोच ले कि तू मेरे पास आ रही है और कूद जा। ओके। ये देखो सामने उर्मिला, उर्मिला वेलकम टू जापान। उर्मिला वेलकम टू जापान। छोड़ के क्यों आया अकेला? क्योंकि तू बहुत बड़ी कटकट है और मैं यहाँ पे डोरेमोन ढूंढने आया हूँ। डोलेमोन नहीं, जिसको मालूम है शिनचैन का चॉको चिप्स रास्ते पे पड़ा हुआ मिला। मैं खाऊं? ये देख। ओ वाओ, बहुत यम है। ये मस्त है चॉको चिप्स। अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि शिनचैन शिमला मिर्च क्यों नहीं खाता। अपने दिल में देखो तो तुम। इसके बाद मैं और उर्मिला निकल पड़े हमारे सफर पे टू फाइंड सुनियो का घर। एक ऐसी दुनिया जहां हो सपने पूरे, कहीं तो होगी। क्या ये देख, ये इनका गार्डन है। कार्टून में जो प्लेग्राउंड होता है जहाँ पे वो तीन पाइप्स होते हैं, हमें वो सेम ग्राउंड मिला। भाई मैं तो पागल हो गया ये जगह देख के। लेकिन बस एक प्रॉब्लम था कि ये जगह बहुत अलग लग रही थी, मरी हुई लग रही थी। कितना अजीब हो गया ये जगह। मुझे क्या लगता है कि हम लोग शायद सुनियो के घर के बहुत पास है। मतलब ये अगर पार्क दिख गया, मतलब सुनियो का घर यहीं पे कहीं पे। तो वो क्या है? वेट 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 वेट, डोंट टच डोंट टच डोंट टच। एक सेकंड, मैं गाड़ी चेक कर रहा हूँ, इससे कुछ समझ में आता क्या? दिखते हैं सुनाई नहीं दिया। अभी नहीं, गाड़ी को टच कर। तुझे सुनाई नहीं दे रहा? देखो क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहा था तू? चल इधर से। अरे उर्मिला तेरे को आवाज नहीं आया क्या? मैंने जैसे ही वो रिमोट कंट्रोल गाड़ी को टच किया, मुझे सुनियो का आवाज आया। तुझे कैसे नहीं आया आवाज? कुछ भी बोल रहा। डोंट डू इट, मैं उस कार के पास और उस पार्क के पास वापस नहीं जा रहा। मुझे लगता है मुझे वहम हुआ है। मैं बता रहा हूँ, मुझे कुछ वहम नहीं हुआ था। एंड आई नो कि इस सिचुएशन में मुझे कोई भी बिलीव नहीं करेगा, तुम लोग भी नहीं। तुम्हें भी लग रहा होगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। आई डोंट नो उस रिमोट कंट्रोल कार को हाथ लगाते ही ऐसा क्यों हुआ। एनीवे, उस हॉन्टेड कार को छोड़कर हम लोग थोड़ा सा आगे गए एंड हमें दिखा एक बेसबॉल फील्ड। वहाँ पे कुछ लोग बेसबॉल भी खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनको पूछता हूँ होने का रेसिडेंस कहाँ पे है। एंड गेस व्हाट, वो लोग मेरी हेल्प करने को रेडी थे, बट उसके पहले वो चाहते थे कि मैं एक होम रन मारूं। क्यों? उनको दिखाता हूँ क्रिकेट क्या होता है अभी। Let's see. Slowly. बोल रहा था बंदा क्या, इसे कुछ भी नहीं आ रहा, एक शॉट भी Yes. भाई डायरेक्ट सिक्स मार दिया। अरे अभी जब मैंने इन लोगों से बात की, ये लोग मुझे बोल रहे थे कि यहीं पे आसपास एक स्कूल है, अगर हमें यहाँ पे पार्क दिखा तो आसपास की जो स्कूल होगी वो नोबिता की स्कूल होगी। क्या बोल रहे?
दूसरी कोई स्कूल हो ही नहीं सकती आसपास। इसके बाद मैं निकल गया स्कूल ढूंढने। और हाँ, चलते चलते मैंने क्या देखा भाई, जापान के लोग भी अपने जैसा कपड़े बाहर सुखाने को रखते हैं। एनीवे कहते हैं ना कि जापान के लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। अच्छा वो मैंने उन लोगों की बात सुनी, क्योंकि थोड़ा सा और चलते ही ओह नो, ये सेम स्कूल है। ओह माय गॉड, ये स्कूल के ऊपर एक क्लॉक भी है, दिखाता हूँ चलो। ये सेम स्कूल है। जीने का सही ढंग सीखे हम इसके संग, सारे जमाने जाने पहचाने ये है डोरेमोन। क्या मस्त लग रहा है ना, टीवी पे उर्मिला टीवी पे थे, अभी रियल लाइफ में कर रहे हैं। मेरे को भी थोड़ा ऐसा भर के आ रहा है, चाइल्डहुड फिर पूरा डोरेमोन है यार। मुझे बहुत इच्छा हो रही है अंदर जाने की, पर मैं अंदर नहीं जा सकता, मुझे क्लासरूम देखने। नोबिता के नोबिता ना एक नंबर का येड़ा है। पहले तो वो रोज स्कूल को लेट होता था। डोरेमोन के पास एनीवेयर डोर है, उसको लेके जाने का ना स्कूल को, इजीली पहुंच जाता स्कूल। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, वो नोबिता का टीचर है ना, खड़ूस एक नंबर का, वो आ जाएगा बाहर। ऐसी ऐसी रहती है, नोबिता नोबिता तुम आज भी लेट हो यहाँ पे। मतलब सुनियो का घर यहीं पे कहीं पे तो होगा यार। स्कूल भी मिल गया, आप अभी बस घर ढूंढना है। होने का वा रेसिडेंस, एक सेकेंड। डोरेमोन डोरेमोन प्लीज मुझे नहीं चाहिए गैजेट से, तो डोरेमोन मुझे स्मॉल लाइट चाहिए। अगर तुम मुझे स्मॉल लाइट दोगे तो मैं चुपके से क्लासरूम में घुस जाऊंगा और फिर सेल्फी। क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? तेरे को सुनाई नहीं दिया? मेरे हाथ में कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। उर्मिला, नोबिता के रोने की आवाज सुनाई नहीं देने को? नोबिता हमेशा रोता ही रहता है। मैं सच बता रहा हूँ गाइस, जैसे ही मैंने वो बिग लाइट हाथ में पकड़ी, मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। नो डूड, हम लोग यहाँ पे नहीं रुक सकते। ऊपर से इतना ढूंढने के बाद भी मुझे सुनियो का घर नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भगवान ने किसी को तो भेजा। मेरे को निकाल देंगे यहाँ से। अरिगातो गोज़ाइमस। पैटीज भी है स्कूल में, पैटीज है। ये तुम लोग का स्कूल है? हाँ, हम लोगों का स्कूल। ये नोबिता का भी स्कूल है यार? हाँ, एग्जैक्टली। ये सेम स्कूल है नोबिता का? जापान में मुझे कुछ पैटीज मिले जो मेरी हेल्प करने के लिए रेडी थे। उनको सुनियो का घर नहीं मालूम था, लेकिन उनको नोबिता का घर मालूम था। ए, जियान वगैरह भी दिखता है क्या स्कूल में? मेरे को जियान बोल रहा है। जियान है आप? अरे मेरे को जियान बोल रहा है। सुनियो क्या फरारी से आता है क्या स्कूल को? अल्लाह क्या बात कर रहा है, उसका मुंह वैसा ही है क्या, समोसे जैसा? असली जिंदगी में भी ये लोग बोल रहे हैं कि नोबिता का घर यहाँ से राइट है। लेट्स गो। चलो गाइस, बाय, सी यू, मिलते हैं। अरे अंकल नहीं हूँ मैं, ब्रदर अंकल नहीं हूँ। ये तीन पैटीज को अलविदा कहने के बाद मैं निकल पड़ा स्कूल के पीछे वाले पहाड़ पे, लेकिन फिर अरे मेरे को निकाल देंगे रे जापान से। भाई पूरा स्कूल बाहर आ गया था, मेरे को डर लग रहा था वो प्रिंसिपल आके मुझे यहाँ से निकाल देगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जापान में भी पार्टीज है। सबके साथ फोटो खींचने के बाद मैं वहाँ से निकला, क्योंकि सनसेट हो रहा था। सनसेट से पहले मुझे नोबिता का घर ढूंढना था। वहाँ पे जो भी बच्चे थे उन्होंने मुझे सेम एड्रेस दिया, तो मुझे भी लगने लगा कि क्या नोबिता का घर सच्ची में असली है। तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे चलते गया एंड फिर यस, मेरे सामने था नोबिता का घर। सेम खिड़की थी जहां से डोरेमोन बैम्बू कॉप्टर से एंट्री मारता है। भाई घर के बाहर का जो फेंस था वो भी सेम था। उर्मिला वो सेम टू सेम घर है यार उसका। Exactly. ऊपर से डोरेमोन अंदर जाता है बैम्बू कॉप्टर से। मुझे एक्चुअली क्यूरियोसिटी देखने में यार। अंदर जाना तेरे को? हाँ, देखना। अरे नोबिता की मम्मी मालूम है ना कितनी कटकट है। उर्मिला की बहुत इच्छा हो रही थी कि उसको घर के अंदर जाना है, वो तो जिद पकड़ के बैठी थी। मैंने भी सोचा यार कि इतना दूर तक आया है, इतना दूर तक तो एक बार तो घर के अंदर जाना चाहिए। तो हमने ना डिसाइड किया कि अभी नहीं जाएंगे, हम लोग रात का इंतजार करेंगे। रात के अंधेरे में दो चोर घुसने वाले थे नोबिता के घर में। एंड हमने एक और चीज डिसाइड की कि 10 मिनट से ज्यादा हम लोग इस घर में नहीं रुकेंगे, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी अजीब अजीब चीजें हो रही थी और ये घर लग रहा था भाई हॉन्टेड। एंड अ टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने मेरे सामने क्या देखा, वो स्टेयर्स, वो सेम स्टेयर्स जिनसे नोबिता दौड़ के ऊपर अपने रूम में जाता है। स्टेयर्स के बाजू में ही नोबिता का लिविंग रूम था। कोई नहीं है। Okay. तू ज्यादा आवाज मत करे तो नोबिता का परपोता आ जाएगा। परपोता क्या होता है? पप्पा के पप्पा का बेटा। तू मैं तो लाइट क्यों बंद कर रही है हर बार, टॉर्च चालू कर तेरा। भाई पूरा घर एकदम शांत मरा हुआ सा था। इस अंधेरे में कैसे तो करके हमने लाइट का स्विच ढूंढा एंड उसे चालू करते ही ये लिटरली नोबिता का लिविंग रूम है।
मेरा प्रीत मेरे को थोड़ा सा अलग लग रहा है। बहुत साल हुए ना, थोड़ा रेनोवेशन तो मांगता है। कौन रह रहा है? कोई नहीं रहा है यहाँ पे तो। रेनोवेशन किस चीज का? उसे तो कोई नहीं रह रहा है। दिखा तेरे को कोई। ऐसी बट्टे ना नोबिता की मम्मी। मोशी मोशी या मामोतो सान। अभी हॉल से कहाँ जाने गए? हॉल से किधर जाते हैं? नोबिता की बेडरूम। देखिए बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे है। ऊपर के फ्लोर पे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, वो नोबिता की क्लासिक सीढ़ियाँ जहाँ से वो नीचे आता है ऊपर जाता है। मैं सच बता रहा हूँ, ये जो सीढ़ियाँ थी वो बहुत डरावनी दिख रही थी। ऊपर तो पूरा अंधेरा था, मैं नीचे से कुछ भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उन पे पैर रखा और फिर ये हुआ। शिजुका तो डीकी सुकी के साथ पढ़ाई करने जा रही है। अगर ऐसा होता रहा तो फिर मेरी शादी कैसे होगी शिजुका के साथ? भाई मैं बता रहा हूँ ये घर अजीब है, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, मुझे ही क्यों आवाजें सुनाई दे रही है? नोबिता। एनीवे ऊपर आने के बाद मैं एक डार्क कॉरिडोर में आ गया। नोबिता का कमरा। इतनी हाइट इतनी कम क्यों है इसकी? बिकॉज़ वो लोग छोटे थे ना। नोबिता छोटा था। वापस एक बार मैं रूम में आया, यहाँ के लाइट्स चालू किए एंड रूम अलग था। ये अलग रूम है बट ये नोबिता की रूम की तरह लग ही नहीं रही है। मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, डोरेमोन का पहला कॉमिक आके 50-60 साल हो गए, इतने साल बाद पूरा घर बदल चुका है। अभी गलत नहीं यार, बट वो बच्चों ने बोला था कि ये बराबर घर है। हाँ, तो किसके घर में घुसे हम लोग? बड़े एक चीज इस घर में नहीं बदली थी, डोरेमोन का कमरा। बोलो। हाँ देख रहा, डोरेमोन है क्या? हाँ अंदर डोरेमोन है। चलो इसको खोलते हैं। 1, 2, 3 तुम्हारा डोरेमोन। कुछ नहीं अंदर। ए है कुछ तो अंदर, देख क्या है वो। देख, अरे राइट साइड को देखेगा क्या? राइट। इधर कैसे स्मेल आ रहा है? डोरा केक्स। ये ठीक, जरा ठीक से, तेरे को लगता है फंगस लगा इसको? मेरे को लग रहा है थोड़ा सा है। एक सुन सुन मेरी बात, वो खराब हो गया है। हाँ। तू इसको जाके फेंक क्या? हाँ, मैं वही बोलने वाला था, इसको जाके फेंकते हैं। क्या हो रहा है? इसको फेंक नहीं सकते। क्यों? इसको फेंक नहीं सकते। वो क्या हो रहा है? रुक, मैं फेंकती हूँ। डोंट टच इट। इसको हाथ नहीं लगा सकते। मैं मुझे नहीं लगता मैं इस घर में रुक पाऊंगा। निकलते हैं क्या? इस घर में बहुत सारी अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, कभी शिजुका के हंसने का आवाज, कभी जियान के गाने का आवाज, एंड बस मुझे ही सुनाई दे रही थी। तो जैसे हमने डिसाइड किया था 10 मिनट के अंदर हम लोग वहाँ से निकले। मैं नहीं चाहता था कि इंडिया को वापस आते वक्त मैं डोरेमोन की आत्मा लेके आऊँ मेरे साथ, लेकिन मेरा इन्वेस्टिगेशन अब तक खत्म नहीं हुआ था। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए हम लोग अगले दिन जाने वाले थे डोरेमोन के म्यूजियम को। चल निकलते। क्या निकलते हैं? तुझे यही कपड़े में आना है क्या? तो और क्या डाल लेगा? मैं तेरे लिए नए कपड़े लाया है, एंड वो कपड़े उस स्नोरलैक्स के पीछे है। सरप्राइज। देखो देखो देखो। तू दोनों सेम हो यार, दोनों सेम हो। ये क्या है? कपड़े तेरे लिए। पिकाचू बन के जाएगी मैं डोरेमोन के इधर? यस, तू पिकाचू बनेगी। मैं पिकाचू नहीं। I wanna be the very best, like no one ever was. देखो पिकाचू के जगह अगर उर्मिला चारिज़ार्ड होती तो मैं उड़ के चला जाता डोरेमोन के म्यूजियम को, लेकिन हमें एक ट्रेन पकड़नी पड़ी। हमारे इधर कैसे स्टेशन होते हैं, घाटकोपर स्टेशन, अंधेरी स्टेशन, पनवेल स्टेशन, वैसे इनके स्टेशन का नाम है नोबोरितो स्टेशन। नोबोरितो, नोबिता, कुछ सेम सेम लग रहा है। जैसे हम लोग नोबोरितो स्टेशन पे पहुंचे, हमारे सामने जो लिफ्ट थी वो एनीवेयर डोर लिफ्ट थी। भाई कुछ भी चालू है जापान में। स्टेशन से म्यूजियम हम लोग एक बस से जाने वाले थे, डोरेमोन बस से। भाई कुछ भी चालू है जापान में। हम लोग इस बस में बैठे और पहुंच गए डोरेमोन म्यूजियम। जैसे मैं म्यूजियम के अंदर घुसा, सामने मुझे एक छोटे साइज का नोबिता का घर दिखा। कल हम जिस घर में थे ना, सेम टू सेम वैसा। ये घर के अंदर की सीढ़ियां सेम थी, नोबिता का डेस्क सेम था, नोबिता का बुकशेल्फ भी था। हमने सुबह से बहुत ट्रैवल किया था, बेचारे पिकाचू को मैंने कुछ खाने को भी नहीं दिया, इसलिए हमें भूख लगी थी। तो घर देखने के बाद हम लोग गए खाना खाने। यस, एंड खाने में हमने क्या लिया होगा? डोरेमोन का मेमोरी ब्रेड। ये ब्रेड खाने से नोबिता अपने मैथ्स के फॉर्मूले याद रख सकता है। मैं डोरेमोन जैसे क्यों बात कर रहा हूँ? एंड ऑफ कोर्स हमारी प्यास मिटाने के लिए मैंने लिया था एक स्पेशल डोरेमोन काढ़ा। उन्होंने मुझे बोला कि ये लिटरली डोरेमोन की नाभि से निकलता है।
नहीं है, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला। सच बता रहा हूँ, ये पी के मेरा पेट खराब हो गया, इसलिए मैं चला गया वॉशरूम। एंड गेस व्हाट, वॉशरूम के साइंस भी अलग थे। लड़कों के लिए शिजुका, लड़की के लिए नोबिता। पेट पूजा होने के बाद हम लोग गए म्यूजियम के पार्क में, जहाँ पे हम मिले पीसू के से। देखो, अगर तुम लोग को पीसू के नहीं मालूम तो मुझे तुम्हें बताते वक्त बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारा बचपन बहुत बोरिंग था। इसके अलावा वहाँ पे एक एनीवेयर डोर भी था, लेकिन ये वाला काम नहीं कर रहा था। देखो, मेरा वाला एनीवेयर डोर मेरे पप्पा ने बनाया था। अरे भाई, याद है वो प्लेग्राउंड जहाँ पे वो तीन पाइप्स मिसिंग थे? वो पाइप्स वहाँ से निकाल के इन्होंने इस म्यूजियम में लाके रखे थे। ये पाइप्स देख के मजा ही आ गया, ऐसा लग रहा था कि मैं लिटरली मेरे टीवी के अंदर घुस गया हूँ। इसके अलावा आई डोंट नो क्यू, पर परमैन भी वहाँ पे था, उसके वो छोटे बंदर के साथ, उसका नाम मुझे नहीं मालूम। एंड हाँ, मुझे यहाँ पे वो कुआ भी दिखा। इस कुएं के अंदर से जियान की मूर्ति भी बाहर निकली। ये कुआ तो तुम सब लोगों को मालूम होगा। देखो, अभी अगर तुम लोग को ये कुआ नहीं मालूम, आई एम सो सॉरी, आपका बच्चन कट, आपका बचपन बहुत बहुत बोरिंग था। ये सब होने के बाद हम लोग गए थोड़ी सी शॉपिंग करने। मैंने ना नोबिता की जीरो वाली मार्कशीट खरीदी। इसके अलावा मुझे जियान का शर्ट भी मिला और मेरे साइज का था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जियान के साइज का हूँ। तू है, तेरे को पता नहीं है, लेकिन तू है, जियान है आप। एंड मुझे यहाँ पे एक और चीज मिली, ये मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। मुझे यहाँ पे मिला एक डोरा केक। मैंने इस डोरा केक के कुछ 100 रुपए भरे एंड मुझे लगा कि हाँ यार, नॉर्मल सा डोरा केक होगा, लेकिन मैं गलत था। ये डोरा केक की वजह से मुझे मेरे सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए। देखो, डोरा केक मिलने के बाद मैं मेरे होटल रूम में वापस आ गया एंड रात के 1 बजे मुझे भूख लगी थी। उर्मिला तो सो गई थी, उसको बोल भी नहीं सकता यार मैगी बना के दे, जापान में मैगी मिलती भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डोरा केक खाता हूँ। इतने सालों से डोरेमोन देखने के बाद भी मुझे ये नहीं मालूम था कि डोरा केक के अंदर आखिर होता क्या है। यू नो, मेरे लिए तो डोरा केक मतलब एक चॉकलेट इडली जैसे है। तो मैंने ना खाने से पहले सोचा कि यार एक बार इसको खोल के देखते तो अंदर क्या है। तो मैंने ना इसको थोड़ा सा फाड़ा एंड जैसे ही मैंने इसको फाड़ा, मुझे अंदर दिखा थोड़ा सा चॉकलेट, ऑफ कोर्स। लेकिन उस चॉकलेट के साथ मुझे एक और चीज दिखी। आई डोंट नो कैसे, लेकिन इस डोरा केक के अंदर थी एक चिट्ठी। यस, डोरा केक के अंदर चिट्ठी कैसे हो सकती है? फिर इस चिट्ठी को निकाल के मैंने पढ़ा एंड इस पे क्या था, एक डोरेमोन का अजीब सा ड्राइंग एंड उसके साथ कुछ तो जापानीज में भी लिखा था। तो मैंने ना जल्दी से मेरा फोन निकाला एंड इसको स्कैन किया एंड मेरा शक सही निकला। ये भी एक एड्रेस था, 1342 टकाओका सिटी, तोयामा प्रीफेक्चर। एक सिंपल गूगल सर्च से मुझे समझा कि टकाओका सिटी डोरेमोन की क्रिएटर का होम टाउन है, मिस्टर फुजिको एफ फुजियो। क्या तुम लोग इसका मीनिंग समझ रहे हो? मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए तो मुझे जाना पड़ेगा टकाओका। अबे स्नोरलैक्स, ए स्नोरलैक्स, उठना, मेरे को एक नया एड्रेस मिला है। स्नोरलैक्स, उठना यार, चलना। अरे अरे मार, चल तू। जीने का सही ढंग सीखे हम इसके संग, एक्चुअल में नहीं लग रहा क्या, नोबिता असली जियान आ चुका है। तेरे को मैं असली जियान बोला। देखो, उर्मिला को एक्चुअली शिजुका बनना था पर मैं बन गई जियान, क्योंकि तू जियान जैसी दिखती है। जियान है आप। और तेरा भी गला ना फटा हुआ स्पीकर इतना चिल्लाती ना करती है। नोबिता अगर इतना हैंडसम होता तो शिजुका तो फट जाती ना। मैं भी कितनी हैंडसम हूँ। तू हैंडसम कैसे, तू ब्यूटीफुल होनी चाहिए ना। हैंडसम होती है लड़कियाँ, लड़कियाँ हैंडसम कब, और लड़के ब्यूटीफुल भी होते हैं। ए शिजुका, आती क्या खंडाला। हम दोनों रास्ते पे चलते चलते बहुत अजीब लग रहे थे, लेकिन हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम इन जनरल अजीब इंसान हैं। हम लोग मैप्स की मदद से जो एड्रेस मुझे चिट्ठी पे मिला था, हम लोग वहाँ पे चल के जा रहे थे। मुझे बहुत क्रेजी लग रहा था क्योंकि आजू बाजू इतना सुंदर था। मेरे बाजू में एक मस्त नदी जा रही थी, जिसको देख के मुझे ऐसे लग रहा था यार इसको तो देखा है मैंने कोई तो एपिसोड में। अबे मोटे जियान, तू कितना स्लो है, कितना स्लो है मोटे। ये मोटा जियान पीछे लग गया। मैं सच बता रहा हूँ, एक टाइम के बाद तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये एड्रेस तो मिलने नहीं वाला। मैंने तो होप्स छोड़ दिए थे, लेकिन फिर मुझे याद आया कि एक दिन नोबिता भी अपने कमरे में बैठ के होप्स छोड़ चुका था। वो रो रहा था, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा था, बट देन अचानक ड्रॉवर खोल के वो उसकी जिंदगी में आया। ला 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 ला, आओ हम गाए, हाथ पकड़ के हम उड़ते जाए। नोबिता, डोरेमोन, जियान, सुनियो, शिजुका सब मेरे सामने थे। इस मोमेंट को मुझे क्या फील हो रहा था मैं तुम लोग को बता भी नहीं सकता। हमारा दोस्त है डोरेमोन। इतना चलने के बाद, इतना ढूंढने के बाद,
मैं यहाँ पे पहुँच गया। कितना बुटका ये? असली में अगर डोरेमन होता तो ये ऐसे साइज का होता। डोरेमन तू लाइफ में थोड़ा रोना प्लीज कम कर दे, इतना रोएगा तो आँख तेरे ड्राई हो जाएंगे और डिहाइड्रेशन से मर जाएगा। क्या बोल रही है तू? अरे वो रोता है क्योंकि शिजुका उसको हाँ नहीं बोल रही। शिजुका से भी 101 लड़कियां मिलेंगी तुझे। शिजुका हमारे नए रिश्ते की शुरुआत डोरा केक से करे। नहीं ठीक है खड्डे में जा फिर। उर्मिला तू उसको पप्पे मत, यू तो उसको पप्पे नहीं दे सकती। वो मेरी शिजुका है। शिजुका को बस एक इंसान पप्पे दे सकता है, वो है जियान। नहीं वो है डेकी सुगी। तेरे को शिजुका कैसे लगती है? बचपन में पसंद आती थी बोलना। बोलना। मेरे को एक अलग लड़की पसंद आती थी, निंजा तोड़ी में जो होती थी ना युमिको करके, मेरे को वो एक्चुअल में पसंद आती थी। ओ तुम डेकी सुगी के साथ भाग के जाती हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता शिजुका। हम दोनों एक साथ रहेंगे पूरी जिंदगी, ये ना। चीजों का मैं तेरे कान में एक चीज बता रहा हूँ, डेकू सुगी लाइफ टाइम बस पढ़ाई करते रहेगा, तेरे पे ध्यान नहीं देगा। मेरे पापा दुनिया के सबसे अमीर पापा है। तेरा मुंह समोसे जैसा है, फायदा क्या तेरे पापा अमीर है तो? तू बेसुरा भी है मोटा भी है, क्या कॉम्बिनेशन है ना? और क्या बाइसेप दिखा रहा है? बाइसेप नहीं फैट भरा है, फैट आलू जैसा मुंह है तेरा, समझा ना? आलू जैसा उसका नाक है ना, नाक देखो पॉम पॉम दबा सकता। अभी क्या, अभी बोलना कुछ, क्या हो गया फट गई? मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जापान में तेरा कुछ भी नहीं है, मुंबई में आ, तू मुंबई आ जा, बहुत बड़ा सिंगर बने। मत आ प्लीज मुंबई मत आ, मुझे छोड़ना पड़ेगा मुंबई। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं और शूट करने में अजीब लग रहा है, बट बेस्ट पार्ट है इन लोगों को समझता ही नहीं है हम लोग का भाषा और उनका भाषा हमें नहीं समझता है, तो क्या फर्क पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स ये इनके पाइप्स जिनके ऊपर ये लोग बैठते थे। जियान के बाजू में सुनियो, सुनियो के बाजू में नोविदा, नोविदा के बाजू में शिजुका नहीं बैठती थी। पागल दिख रहा है, पागल लग रहा हूँ, पागल लग रहा है, फुल पागल लग रहा हूँ फुल। क्या बोलती शिजुका, तू मेरे को हाँ बोलेगी ना तो इस पे उड़ा के देखो स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा। तेरे पप्पा के पास तो बहुत पैसा होगा, बहुत पैसा, लेकिन क्या तेरे पप्पा के पास ये नहीं? ये ले नोबिता तेरे लिए बैम्बू कॉप्टर, इससे प्लीज रोज स्कूल को जा ताकि लेट ना हो जाए। इस बिचारी पे तो कोई ध्यान भी नहीं दे रहा, ये डोरेमोन की बहन है, उर्मिला को लगता था ये डोरेमोन की बाइको है। आईना तेरे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, तेरे साथ कोई फोटोज नहीं ले रहा, मैं भी नहीं लूंगा। मेरे को ये पसंद ही नहीं थी कभी, बीच बीच में आती थी दिमाग खाने। डोरेमोन का बाय द वे आखिरी एपिसोड कभी आया नहीं है, किसी को भी नहीं मालूम एंड में डोरेमोन के साथ क्या होता है। मैं क्या बोलूं, मारे के इसको फोड़ दे इसको, आखिरी एपिसोड इधर ही बना देते हैं। दो दिन पहले मैं जापान आया था एक सवाल का जवाब ढूंढने की, क्या डोरेमोन असली है। क्यों बचपन में जब स्कूल में कोई दोस्त नहीं हुआ करता था तभी ऐसा लगता था कि मेरी भी जिंदगी में कोई डोरेमोन जैसा हो, एक दोस्त जो मेरा साथ कभी ना छोड़े। एंड इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि डोरेमोन असली है, हम उसे देख नहीं सकते, कभी जिंदगी में मिल भी नहीं सकते, बट वो है। आज भी जब उसको देखता हूँ तब ऑटोमेटिकली खुशी महसूस होती है। थैंक यू मिस्टर फूजी को, फूजियो हमारा बचपन हैप्पी बनाने के लिए। एंड जाते जाते मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ, वीडियो अगर पसंद आएगा तो मेरी शिजुका के लिए एक लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वरना दोनों जियान आपको मारेंगे, चिली मारेंगे। और अभी मैं निकलता हूँ और मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।